देखेंगे और क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बाद में हम अभी एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे और आप लोग को देखेंगे कि आप लोग को आई या नहीं आई। चलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपके लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सेम क्वेश्चन आपके राइट साइड में भी है। आपके लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन दिख रहा है, सेम क्वेश्चन आपके राइट साइड में भी है। तो लेफ्ट साइड वाले क्वेश्चन को हम बनाएंगे और राइट साइड वाले क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। चलिए हो जाइए तैयार सभी बच्चे। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें स्टार्ट कर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी लेग्स डू 30 डॉग्स हैव। ओके चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा, आप लोग डॉग तो जरूर देखे होंगे, आप लोग डॉग जरूर देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं अभी तो कोई बात नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता है कि आप डॉग देखे नहीं होंगे, ठीक है। चलिए तो वन डॉग्स हैव फोर लेग्स, फोर लेग्स, वन डॉग्स हैव फोर लेग्स। तो क्वेश्चन है 30 डॉग्स हैव, तो 30, तो अब इसका एक ऑप्शन है कि आप क्या कीजिए, 30 डॉग्स का पिक्चर ड्रॉ कीजिए, आप फोर 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 फोर, फोर ऐड कीजिए। ये बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड को सॉर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई का यूज कर देते हैं। तो जैसे कि वन डॉग्स हैव फोर लेग्स और 30 डॉग का पूछा जा रहा है, तो सीधे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 120 लेग्स, मींस कि 30 डॉग्स के पास कितने लेग्स होंगे, 120। ओके बच्चों आप लोग भी, आप लोग हम अभी हम आप लोग के पास आएंगे तो आप लोग बताएंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं, चैट बॉक्स में लिखकर सेंड कीजिए जल्दी से, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिसको क्वेश्चन देखते ही लगा कि ये सर क्या आज बहुत ईजी दे दिए हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं हमारे जिनको क्वेश्चन देखकर लगा कि सर बहुत आज हार्ड ले आए हैं, अलग लाए हैं। चलिए तो इसका भी आंसर हमें अपने हमारे बच्चे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। कितने बच्चों को लग रहा है कि सर आज बहुत इजी क्वेश्चन लेकर आए हैं, कितने बच्चों को लग रहा है कि सर आज बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी सॉक्स आर देयर इन 15 पेयर्स। ओके तो आप लोग को बच्चों मैं बता दूं, वन पेयर इज इक्वल टू 2 पीस। ओके वन पेयर में 2 पीस होते हैं। अगर कोई भी चीज आपके पास सेम सेम दो है तो आपका वो पेयर हो गया। जैसे कि आपके पास सॉक्स पेयर में है, शूज पेयर में है, स्लीपर पेयर में है, ओके हैंड ग्लव्स पेयर में है, तो ये सब चीजें जो है वो पेयर का, जिसमें 2 पीस हो साथ में, तो 1 पेयर इज इक्वल टू 2 पीस। तो अब बच्चों पूछ रहा है हमसे 15 पेयर, तो 15 × 2 आराम से आप लोग बनाएंगे 30 पीस, ठीक है। हाउ मेनी सॉक्स कितना हो गया, 13 पीस। ओके आप लोग आराम से लिख देंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन डोजन इज इक्वल टू 12 पीस। वन डोजन इज इक्वल टू 12 पीस, मतलब ये बता रहा है कि वन डोजन इज इक्वल टू 12 पीस। ओके हाउ मेनी पीस आर देयर इन 17 डोजन, तो वन डोजन इज इक्वल टू 12 पीस, वन डोजन इज इक्वल टू 12 पीस। तो 17 डोजन इज इक्वल टू, तो 17 × 12। चलिए बच्चों आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए हमें 17 × 12, 12 7 = 84। करिए 12 × 12 = 20, 204 पीस। ओके 1200, 12 को आपको मल्टीप्लाई करना था 17 से, 1 dozen = 12 piece और 17 dozen =, तो 12 × 17, जिस साइड आपके राइट साइड में क्वेश्चन ये भी है, 1 dozen = 12 piece, तो हाउ मेनी पीस आर देयर इन 25 dozen। इस क्वेश्चन को भी आप लोग इसी तरह से बनाएंगे, 1 dozen = 12 piece और हाउ मेनी पीस आर 25 dozen, तो 12 × 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन काउ हैज फोर लेग्स। अच्छा वन काउ हैज फोर लेग्स, आप लोग गाय देखे हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, पढ़े भी हैं। हाउ मेनी लेग्स डू 65 काउ हैज। ओके तो वन काउ हैज फोर लेग्स,
वन काउ फोर लेग्स, अरे भाई ये क्या हो गया मिस्टेक, वाओ वन सेकेंड वेट। चलिए फोर लेग्स तो पूछ रहा है 65 का, 65 इंटू फोर, फोर फाइव या 20 02, 4 24 20 260 लेग्स, 260 लेग्स सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों अभी तक आप लोग को हम एडिशन का अलग वर्कशीट दिए, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, अब हम जिस दिन लेकर आएंगे डिवीजन का, और डिवीजन के बाद हम मिक्स लेकर आएंगे, मींस कि आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना होगा कि ये क्या होगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा। ओके चलिए अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, वन डंकी हैज फोर लेग्स, हाउ मेनी लेग्स टू 47 डंकी है, तो 4 × 7 = 47 डायरेक्ट आंसर निकालिए। चलिए आप लोग आंसर इसका निकाल के बताइए जल्दी से, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से हमारे चैट कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए, कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। 47 × 4, वन डंकी हैज फोर लेग्स, हाउ मेनी लेग्स टू 47 डंकी है, जल्दी से सेंड कीजिए। ओके चलिए आइए बच्चों, ये वर्कशीट तो आपका फिनिश हो गया, राइट साइड वाला आपको बनाना है, और भी मैं वर्कशीट लेके आया हूं इस पर मल्टीप्लीकेशन के, अभी तो 4 वर्कशीट और है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, जस्ट थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर से आ रहे हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जब तक कि हमारे बच्चे तब तक इसको ना बना ले, जब तक हमारे बच्चे इस 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है राइट साइड वाले वो क्वेश्चन सॉल्व ना कर ले, और मैं समझ ना जाऊं कि हमारे बच्चे सीख गए हैं, तब तक मैं नेक्स्ट वर्कशीट पर नहीं जाऊंगा। ओके तब तक मैं नेक्स्ट वर्कशीट पर नहीं जाऊंगा, और हमारे बच्चे जब इसको करके भेजेंगे तो मैं फिर आऊंगा इस वर्कशीट पर। चलिए तो हम चलते हैं अपने बच्चों के पास, जो जो बच्चे हमारे अच्छे से समझ गए हैं वो बच्चे हैंड रेज करके रखेंगे, अपने येलो बटन को दबा के रखेंगे, जो बच्चे नहीं समझे हैं वो बच्चे नहीं दबाएंगे, जो बच्चे समझ गए हैं वो हैंड रेज करके रखेंगे। चलिए तो हमारे लगभग सभी बच्चे समझ गए हैं, एक हिबा नहीं समझी है और एक आदित्य तिवारी, आदित्य तिवारी आप नहीं समझे हैं बेटा। चलिए जो बच्चे हमारे नहीं समझे हैं मैं उनको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए बाकी सभी बच्चे समझ गए हैं, चलिए मैं जो जो बच्चे अभी नहीं कर रहे हैं उनको मैं फिर से बता रहा हूं कैसे करना है क्या करना है। चलिए आदित्य तिवारी, आदित्य तिवारी व्हाट प्रॉब्लम, समझ में आ गई बेटा, व्हाट प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, जोर से बोलिए। चलिए आप ही को समझ, चलिए बाय बाय बेटा, बाय सर।